अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह करीम हमेशा आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। आप अगर नए हैं प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। एक ज़ईफ़ बूढ़े शख्स रास्ते में चलते हैं, हाथ में एक पन्नी होती है। अचानक किसी रक्षे से उलझकर वो पन्नी नीचे गिर जाती है और रक्षे वाला अपने रक्षे को रोकता है और फिर दोबारा वो पन्नी उठाकर उन बुजुर्ग के हाथ में दे देता है। देखने में एक बहुत सादा सी वीडियो है, लेकिन अपने अंदर बहुत सारी इबरतें, बहुत सारे सबक, बहुत सारी कहानियाँ, फलसफे, बहुत से अफसाने हैं जो हमको सुना रही है। आप यकीन जाने, मैं तो अपने तौर पर यह कहूँगा कि इस वीडियो को देख कर ना मुझे मेरा मुस्तकबिल नज़र आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कल भी ऐसा ही हो। मजबूरियाँ, लाचारियाँ, कमज़ोर हाथ, कमज़ोर जिस्म, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई, कदम में लड़खड़ाहट हो, हाथ कांप रहे हो, चलना मुश्किल हो रहा हो, सुनने की ताकत बहुत कम हो गई हो, दिखना भी कम हो गया हो। मुझे लगा कि नाज़िम की तरह मुस्तकबिल है, इसलिए आज जो कुछ भी खैर का काम हो सकता है, जो कुछ भी भलाई का, दूसरे की मदद का, ताउन का काम हो सकता है आज कर ले, कल शायद कि ये मौका मिले या ना मिले। और न जाने कल का दिन मेरे लिए कैसा हो, कितना कठिन, कितना शफाक, कितना मुश्किल या कितना बेहतर और कितना अच्छा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत सारे अफसाने हमको बता रही है। हमारे वालदेन अगर बूढ़े हो गए हैं, वो अगर कमज़ोर हो गए हैं, अब हमारा हक बनता है हम उनका ख्याल करें, हम उनका साथ दें, हम उनके बाजू बने, हम उनकी ताकत बने। इस वीडियो को देखकर ये चंद बातें मेरे जहन में आई, कुछ और भी आ रही हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की कम कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाय भी ना हो और कम वक्त में कुछ पैगाम मैं आप तक पहुँचा सकूँ। लेकिन आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं इस वीडियो को देखकर और क्या बातें आपके जहन में रक्स कर रही हैं, प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। इन्हीं चंद बातों के बाद मैं रुखसत होता हूँ, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगले पैगाम के साथ।